मन की जियो, खाओ पियो मजे करो। Check the mic and make sure it sound right, boys. खाओ पियो मजे करो। ऐसो हो हो हो, हाँ हाँ हाँ, जबरदस्त। ये बहुत हैवी तो नहीं हो जाएगा? नहीं, अच्छा, शादीशुदा हज़रात के लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़बरदस्त। वालेकुम ख़वातीन हज़रात, और आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं हूँ ज़ीशान, और आपको मेरे इस चैनल पे एक बार फिर खुश आमदीद। तो भाई मंड के जियो, खाओ पियो मज़े करो। आज मैं आया हूँ, बहुत पुरानी शॉप है यहाँ पे नॉर्थ कराची में, जियो मॉल के जस्ट सामने आप अगर आएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे एक दूध वाले बैठते हैं जो मैं बचपन से देखते हुए जिनको आ रहा हूँ। यहाँ पे बेहतरीन जो मतलब बॉडी बिल्डर हज़रात तो सारे नॉर्थ कराची के यहीं आते हैं, और दूध जो है मक्खन वाला और अंडों वाला, देसी अंडा डाल के देते हैं और मक्खन डाल के देते हैं, और कितने का देते हैं और कैसा दूध होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इनके पास चलता भी हूँ और देखता हूँ, बताता हूँ कि ये कैसा दूध यहाँ पे दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? सलमान सईद। सलमान भाई, कितने का आप ये प्याला, मेरे ख्याल प्यालों में आप दूध दे रहे हैं? जी भाई। अच्छा, पाव पाव का हिसाब होता है? साहब, पाव का हिसाब। अच्छा, अगर सिंपल दूध लेना हो पका हुआ तो कितने का होता है? 60 रुपये पाव। 60 रुपये पाव होता है। और क्या स्पेशलिटी है इसके? अंडे, मक्खन, छुआरे, देसी। अच्छा, अंडा, मक्खन और छुआरा, अगर तीनों चीज़ डलवाना हो तो कितने का कप बन जाएगा? ये पड़ जाएगा आपको 170 रुपये का। अच्छा, और अगर ज़्यादातर लोग जो हैं कस्टमर हैं वो क्या लेना पसंद करते हैं? देसी अंडे के साथ। देसी अंडे के साथ वो कितने का होता है? वो आपको बढ़ेगा 95 रुपये का। वो 95 रुपये का होता है। तो भाई हम जो है सारी चीज़ें डलवाते हैं, सर्दी भी आ रही है, और एक कप जो है ट्राई करके आपको बताते हैं कि यहाँ का दूध और मक्खन और देसी अंडा कैसा होता है। वो कितने का है? वो सब सारी चीज़ें डालेंगे 170 रुपये। 170 रुपये का। तो यार ज़रा बनाएँ और दिखाएँ हमें। ये अंडा बोलो, ये अंडे तोड़ दिए और डाल दिए। ओ हो हो हो, अंडा डल गया है। हाँ, अंडा डल गया है इसके अंदर, और ये मक्खन जा रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, पूरा दो बटर डलेंगे अगर दो कप बनेगा, ऐसे ही है। चीनी डाल। ज़बरदस्त, अब चीनी डालना है। हाँ, ये भाई खजूर, छुआरे और ज़बरदस्त ये अंडे के साथ। हाँ, अब ये फेटा जाएगा इसको। ओ हो हो, हाँ हाँ हाँ, ज़बरदस्त। ये बहुत हैवी तो नहीं हो जाएगा? नहीं, अच्छा, शादीशुदा हज़रात के लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़बरदस्त। भाई ये अंडे का रंग भी इसमें आ गया है, येलो कलर, चीनी, मक्खन, दूध और छुआरे। छुआरे भी हैं इसमें? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये फेटा जा रहा है भाई दूध, और इसके बाद जो है सर्व किया जाएगा, और फिर हम पियेंगे इसको, और फिर आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा दूध है, होता है इनका। हाँ, ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन। ये आ गया मलाई ऊपर से। हाँ, अब डलेगा भाई ये और मलाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और छुआरे भी डलेंगे अब। ओ हो हो हो, बोल दूधम दूध वाले जो छुआरे हैं वो आपको ये डाल के, अब ये एक प्याला जो है 170 का तैयार हो गया है। चलो भाई, आए शावेद रखो। सबसे पहले जो है दूध का रिव्यू करेंगे मेरे दोस्त शावेज भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा बचपन का दोस्त है शावेज, तो वो आपको बताएंगे कि यहाँ का दूध कैसा होता है रिव्यू करके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्ट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा हम घर पे दूध पीते हैं उससे तो बिल्कुल मुख्तलिफ टेस्ट है, क्योंकि इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पकाया हुआ है, और उसके बाद फिर बटर का टेस्ट अलग ही आ रहा है, और साथ में
मीठे के तौर पे जो है वो इन्होंने आई थिंक छुआरे का इस्तेमाल किया है, तो उसका टेस्ट एक अलग ही यूनिक आ रहा है, बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट टेस्ट है, बहुत मज़े का। और अंडे का, और अंडे का भी आ रहा है अंडा, लेकिन ये कितना पता नहीं चल रहा है क्योंकि उसमें वो बिल्कुल मैश हो चुका है, वो बटर का ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा स्लिपरी टाइप का है, तो वो दूध थोड़ा सा आपको इस तरीके का लगेगा, देखें तो ये थोड़ा सा इस तरीके का लगेगा, थोड़ा पतला टाइप का होगी बटर की वजह से ज़्यादा इस तरीके का। अंडे का इतना पता नहीं चल रहा है क्योंकि बाल लोगों को ऐसा लगता हो कि अंडे की थोड़ी सी कच्चा अंडा डाला है स्मेल टाइप का, तो ऐसा बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा आपको कि इसमें अंडा डला हुआ है, बटर का ही टेस्ट आपको ज़्यादा आएगा और ये बिल्कुल हट के टेस्ट है घर के दूध से। और मैं तो कहूँगा कि हर बंदे को ट्राई करना चाहिए, सर्दियों में सबसे बेहतरीन है ये, बहुत प्रोटीन का इंटेक सबसे बेहतरीन है इसके अंदर सर्दियों में। दूध के लिए, दूध के लिए तो बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक तरीके से प्रोटीन डाइट है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ट्राई करना चाहिए लाजमी। और इतने पैसों में आपको एक अच्छी प्रोटीन इंटेक मिल रहा है, बुरा नहीं है रोज़ के लिहाज से, और जो मौसम अभी आ रहा है उसके लिहाज से बहुत बेहतरीन है। थैंक यू। दूध जो है आ चुका है, 170 रुपये का ये प्याला है, और देख सकते हैं आप ज़बरदस्त मलाई, आ हा हा हा, ये पूरी एक मलाई की लेयर है, और इसमें देसी अंडा और मक्खन डाल के इन्होंने दिया है। तो टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि यहाँ का दूध कैसा है। आहा भाई, गर्मा गर्म मक्खन वाला और अंडे वाला दूध, मतलब फुल आप जान यहाँ पे बना सकते हैं। और डेली अगर आए सर्दी में तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लगती है, और डेली आके यहाँ पे एक टाइम जो है आप ये वाली मील अगर आप लें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ और अपना दूध इंजॉय करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है। हाँ, सुभान अल्लाह। तो भाई बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया, हाजी शरीफ साहब जो मिल्क शॉप पे यहाँ पे दूध गर्मा गर्म दूध पिया, और शावेद भाई आपको कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और यूनिक टेस्ट था, और मैं कहता हूँ कि इतने पैसों में आपको इतना बेहतरीन जो रिकमेंडेड मौसम में तो हर बंदे को आगे। तो भाई मौसम के लिहाज से स्पेशल वीडियो आपके लिए लाएँ, तो लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें अपने दोस्तों यारों के साथ, और यहाँ पे आएँ मंड के जिए, खाएँ पिएँ मज़े करें। यहाँ की लोकेशन आपको बता दी है, अगर मैप लोकेशन में भी होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिन जियो मॉल के जस्ट सामने जो है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, आप किसी से भी पूछेंगे। यूपी मार्केट है, बहुत पुरानी और यहाँ पर ये मौजूद है, सही है, बिल्कुल स्टार्ट में ही है, स्टार्ट में ही है, बिल्कुल बहुत पुरानी सिटी है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, बिल्कुल ठीक है। फिर दें हमें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।